उसने अपनी सत्ता को अपने आप को हम इंसानों के भीतर पोशीदा कर लिया है, यानी अपने आप को छुपा के हम इंसानों की हस्ती को जाहिर कर दिया है। जैसे बीज अपने आप को गुप्त करके मिटा के वृक्ष को पैदा कर देता है, इसी तरह से उस निराकार ज्योति परमात्मा ने अपने आप को हमारे भीतर छुपा के गायब करके और हमारे इंसानी वजूद को जाहिर कर दिया है। अब हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपने आप को पोशीदा कर ले, अपनी हस्ती को खत्म करें और उस सृजनहार को अपने भीतर से जाहिर करें, प्रकट करें। इसी को भक्ति और बंदगी संतों ने कहा है। Thank you.
मंत्र को परमेश्वर परमेश्वर जब भी जपा मैंने शिशु आत्मा चांदना कर दिया मैंने शिशु गुलशन से जिक्र तेरा जब भी किया मैंने दुनिया से जिक्र तेरा जब भी किया परमेश्वर जब भी जपा मैंने तेरे मंत्र को परमेश्वर जब भी जपा मैंने स्वामी
जपा मैंने इस बात
जिक्र फरिश्तों से जब भी किया है मैंने, तेरा जिक्र सितारों से जब भी किया है मैंने, जाने किस नशे में जिंदगी किस नशे में जिंदगी तो जिया मैंने, तेरे मंत्र को परमेश्वर जब भी जपा मैंने, तेरे मंत्र को परमेश्वर जब भी जपा जिन्होंने तपस्या करके आराधना करके उस परमेश्वर की निकटता को प्राप्त कर लिया, किंतु परमेश्वर के इस मार्ग पर आने के बाद भी अहंकार मन की वासना और ईश्वर आज्ञा को न मानने का अवगुण
साधकों को ईश्वरीय क्षेत्र से दिव्य लोकों से उनको गिरा देता है। परमेश्वर के मार्ग में चलने वालों को सावधान रहना चाहिए। सावधानी के साथ इस रास्ते में परमात्मा प्रियतम के मार्ग में चलना होता है। इंसान जरा सा गाफिल हुआ और गिरा। हजरत आदम को स्वर्ग में रखा गया। फरिश्तों से परमात्मा ने उसे सजदे कराए और कुछ आज्ञाएं दी। स्वर्ग के बीचों बीच एक पेड़ है, मृत्यु का पेड़। कहा इसके फल को न खाना, पर शैतान ने भटका दिया। उसने आदम ने उस फल को खाया और परमेश्वर की अवज्ञा करने के कारण स्वर्ग से निकाल दिया गया। जन्म मरण जहां होता है, इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर उसको फेंक दिया गया। इसी तरह अनेक पुण्य कर्म करने के बाद महाराजा नहुष को स्वर्ग में इंद्र का पद मिला। अपने मन वासना पर काबू न पाने के कारण नहुष बोले, पिछले इंद्र की पत्नी मेरी पत्नी बनना स्वीकार करे। नतीजा ये हुआ कि नहुष ने सप्तऋषियों को अपनी पालकी में जोड़ा। सप्तऋषियों ने उसको श्राप दिया और नहुष स्वर्ग से गिर के मृत्यु लोक के एक वन खंड में सर्प बना। तीसरी गिरावट हुई ययाति की। वे भी राजा थे। देवताओं के मध्य एक बार उनके मन में अहंकार पैदा हुआ। बोले, मेरे बराबर किसी ने दान यज्ञ तप सदाचरण धर्म का आचरण नहीं किया। इतना कहना था, अपने पुण्य का वर्णन करना था कि बस स्वर्ग से गिर गए। अहंकार, मन की वासना, लोभ और सतगुरु की अवज्ञा, ईश्वर के वचनों को न मानना, ये बातें हमारी नूरानी आत्मा को, प्रकाश से भरी आत्मा को परमात्मा के बिल्कुल निकट होते हुए भी दुर्गति में पहुंचा देती है। मेरे ख्यालों ने ही मुझको स्वर्ग से गिरा दिया। मैं तो फरिश्ता था, मेरे पंखों को आग ने जला दिया। मेरे ख्यालों ने मुझे स्वर्ग से Yeah.
फरिश्ता था मेरे पंखों को आग ने जला दिया। तेरा जिक्र फरिश्तों से जब भी किया मैंने, तेरा जिक्र फरिश्तों से जब भी गुलशन से जिक्र तेरा जब भी किया मैंने, सुन किस नशे में जिंदगी जो जिया मैंने, सुन किस नशे में जिंदगी परमेश्वर जब भी जपा मैंने, तेरे मंत्र को परमेश्वर जब भी जपा मैंने, इस आत्मा में चांदना
जिक्र किया मैंने, जिक्र किया मैंने, मैं कशों से जिक्र तेरा जब भी किया मैंने, मैं कतों से जिक्र जिंदगी को
अपनी नजर में मुझको मालिक मेरे बसा ले, सीने में अपने मुझको मालिक मेरे बसा ले। संतों से जिक्र इबादत यानी आराधना उपासना दो तरह की है। एक तो अपने दिल को याद इलाही से परमात्मा के सुमरण से अपनी आत्मा को प्रकाशवान करना, और दूसरी आराधना ये है कि दूसरों के दिल तक उस रोशनी को पहुंचाना। बेहतर है वो दिल जो उस मालिक की याद से रोशन है, पर उससे भी बेहतर है उस रोशनी को दूसरे दिलों तक पहुंचाना। हे परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के संग संग चलता है, इस दुनिया में भी
और उस दुनिया में भी एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।